अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि मैंने अपनी सिस्टर सलमा के लिए कपड़े लिए हैं जो कि सऊदीया भिजवाने हैं। और अभी दोपहर का टाइम हुआ है, नमाज़ पढ़ के भी फ्री हुए हैं, बच्चों को मैंने रेडी किया है और मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल की है कि आज जो है ना मेरे कज़न जाने लगे हैं सऊदीया, तो उनको सामान पहुंचाना है, तो आप जल्दी से आ जाओ, उनको सामान लेने के लिए देने के लिए जाना है। तो बस उसी के लिए आज मेरा थोड़ा सा दिल भी कर रहा था, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, तो आज हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मेकअप करने का दिल कर रहा था। और ये देखें, जैसे मैंने निकाला ना, आयत आ गई है इसमें, और आयत ने काफ़ी यहाँ पर ग्लिटर भी लगाया। और ये देखो, अच्छा ये मेरी बेटी एक एक चीज़ संभाल के रखती है। छोड़ दो। हाँ नहीं, मैं देख रही हूँ। और ये वाली जो है ना, हर एक चीज उठा लेगी, हर एक चीज, कुछ भी नहीं रखने देगी। और मेकअप के तो पीछे है, ये देखें ग्लिटर कितना सारा इसने लगाया निकाल के। जिन्नी बच्ची, मम्मा ने देख लिया आपको, देख लिया शरारती कहीं की। मैंने फाउंडेशन लगाई है क्योंकि कल से मेरी अम्मी का भी मुझे फोन आया कि तुम अपने आप को तैयार नहीं रखती और तुम्हारा हस्बैंड भी आता है, तो इस वजह से तुम्हें देख के शायद चला जाता है, तुम बिल्कुल रेडी नहीं होती। और जाहिर सी बात है, तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी अब कर ली है और यही रियलिटी है, इसको तुम्हें भी मानना पड़ेगा। और हम भी अब मान चुके हैं, अब चुप हो गए हैं। लेकिन उनकी जो वाइफ हैं वो हर टाइम रेडी रहती है, हैप्पी रहती है उसके साथ, और तुम हर टाइम टेंशन में रहती हो जब भी वो घर आते हैं, और तुमने अपनी हालत ऐसे बनाई हुई है, तो शायद इस वजह से वो चले जाते हैं। तो अम्मी ने कहा है कि तुम थोड़ा सा अपने आप को वापस वैसे करो, मेरी सिस्टर ने समझाया, अपने आप को थोड़ा रेडी रखा करो। तो बस इसीलिए आज दिल कर रहा था इतने टाइम बाद कि मैं थोड़ी सी तैयार हूँ, वरना वैसे आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी कि मैं पहले कैसे रहती थी और अब मैं अपने आप को कैसे लेकर आई हूँ। तो अब बस वही, इसलिए मैंने थोड़ा सा आज हल्की सी फाउंडेशन भी लगाई है। और मेरे हस्बैंड, मैंने आपको बताया कि रात में वही होती हैं लेकिन दिन में अब आ जाते हैं, पहले नहीं लेकिन अब आते हैं दिन में। और वो भी अभी इतना टाइम हो गया, 2-2.5 से भी ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं आए, क्योंकि कौसर की फैमिली में से उनके भाई दोनों आए हुए हैं, तो इसी वजह से आज लेट हो गए हैं, वरना सुबह में आ जाते हैं जैसे मुस्तफ़ा को स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो बस तब तक अभी बात हो गई है, वो आने ही वाले होंगे कुछ देर तक। मैंने हल्की सी फाउंडेशन लगाई है, अब हल्का सा ब्लश ऑन और हल्की सी लिपस्टिक लगा लूँगी और फिर हम चलते हैं। चलें दीबा, सामने देखो खाला का सामान देने चलें, बस अभी चलते हैं। ओके दिखाओ आयत, मैं लगा दूँ। कब से तंग कर रही है मामा मुझे नेल पेंट लगाए। नेल आयत आपको बहुत शौक है, ये तो ड्राई हो चुकी है, लग ही नहीं रही। उसके शौक देखो, बहुत शौकीन हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, ड्राई हो गई आयु। अभी शुक्र है कि थोड़ी देर के लिए खेल रही है, काफ़ी टाइम से तंग कर। तैयबा आपके पापा की कॉल आ रही है, यहाँ से जाओ नीचे से, देखो पापा आ तो नहीं गए, जल्दी जल्दी देखो आए नहीं आए। मैंने अपनी तैयारी कर ली है और कब से आयत बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आयत काफ़ी चिड़ी हुई है। और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा मेकअप किया, हल्का सा बस यहाँ पर ब्लैक को मैंने स्मज किया ब्राउन के साथ अपनी आईज़ पे। और अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए और मैंने अपनी चाय भी बना ली है, मैं चाय पीने लगी हूँ, 3:30 से टाइम ऊपर हो चुका है। और मुझे यही टेंशन लगी हुई है कि वो लोग एयरपोर्ट पे निकल ना जाएं, क्योंकि मेरी सिस्टर का सामान है और वो हम टाइम पर अगर नहीं देने गए तो शाम की उनकी फ़्लाइट है, वो चले जाएंगे। और अब टाइम मैंने बताया कि कितना ज़्यादा हो गया, तो अब देखो कब हस्बैंड आते हैं और कब हम जाते हैं। आयत ने अपनी सॉक्स भी उतार दी हैं, इंतज़ार करते करते इतना टाइम हो गया। अभी ट्यूशन का टाइम हो गया, पहले तो लेट था ना, इसलिए मैंने कहा आपको लेके चलूँगी। तैयबा अभी 4 बज रहे हैं, टाइम बहुत हो गया। तैयबा कल भी छुट्टी थी आपकी, फिर आप स्कूल की ट्यूशन की फिर से छुट्टी करोगी? 2-3 दिन से आप नहीं गई ट्यूशन, पहले आपकी तबीयत सही नहीं थी। अभी मैंने रेडी किया था कि हम जल्दी चले जाएंगे, आपके पापा ने लेट कर दिया है। अभी चली जाओ, शाबाश मेरा बच्चा, फिर नेक्स्ट टाइम ले जाऊँगी। बाबू तैयबा भी अब सैड होगी, इसको भी साथ चलना है, और मुस्तफ़ा ने भी देख लिया, मुस्तफ़ा को भी चलना है। अभी आप दोनों के ट्यूशन का टाइम हो गया, 2 बजे से हम वेट कर रहे हैं और अब 4 बज गए। अभी और कितनी देर है? चलते हैं। आयत कब से शोर कर रही है, फिर से मैंने उसको सॉक्स शूज पहनाए, फिर से रोएगी, फिर उतार देगी। आज बाबर की तबीयत भी फ्रेश नहीं है।
अभी कैसी है? अभी ठीक है ना? अच्छा, आज इसकी तबीयत सही नहीं थी, आया थोड़ी देर छत पे ना, धूप में थोड़ी देर बैठा रहा, टैबलेट लिए इसने, अब थोड़ा इसको पसीना आया है तो इसका बुखार उतरा है, ठंड लग रही थी पहले ना। प्रॉमिस है आपसे, प्रॉमिस कर रही हूँ, जैसे ही आप वहाँ से नहीं, आप जहाँ पे बोलोगी ना, जब वापस आओगी ना ट्यूशन से, मैं आपको ले जाऊँगी, प्रॉमिस कर रही हूँ। सही, ओके, जहाँ पे भी बोलोगी वहीं पे लेके चलूँगी। ओके, अभी ट्यूशन से पढ़ के आ जाओ, एक दो घंटे की जो क्लास होती है अभी आ जाऊँगी। गुड गर्ल मामा की मुस्तफ़ा, ये हो रही है रेडी, चलो आप दोनों को पहले ट्यूशन छोड़ेंगे, सिर्फ सामान देना, सामान दे के आ जाएंगे, आ जाओ। गुड गर्ल, आ जाओ, चलो आ जाओ, आपको ट्यूशन भी छोड़ना है, आ जाओ। अभी आप क्या कर रहे हो? आओ जल्दी से, आयत नीचे भी चली गई मुस्तफ़ा, पूरा दिन आज ऐसे ही गुजर गया, जल्दी आओ। 8-10 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर जब क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी ना, फिर आप न्यू बैग लेकर जाना, आपकी यूनिफॉर्म भी न्यू होगी। अच्छा चलो उठाओ, तक करो पैक, जल्दी करो। अब फिर तैयबा कहेगी मामा मेरा ओल्ड वाला है, अपनी बहना को देख लो ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ, उसका भी आ जाएगा फिर, कोई बात नहीं, तैयबा का न्यू बैग भी लेकर आऊंगी, और तैयबा की तो ज्यादा चीजें होंगी मुस्तफ़ा से, है ना, तैयबा के लिए मम्मा ज्यादा कुछ लेगी, मुस्तफ़ा के पास इतना कुछ नहीं है, है ना। कुछ हेलमेट उठाओ मुस्तफ़ा, नया वाला उठाओ, चलो 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 चलो, ऐसा बैग चाहिए जब आपका एडमिशन हो, इससे भी प्यारा लेके दूंगी। हाँ बच्चा पार्टी में होते हैं, आपको इससे भी प्यारा ले दूंगी। ओके, आपने लिपस्टिक नहीं उतारी ना? तैयबा ने जो है ना मैट लिपस्टिक अपनी लिप्स पे लगाई है, और वही कब से उसने उतारने की कोशिश भी की है, लगा तो ली, अब उतर नहीं रही उसकी। बैठो बैठो तैयबा, आप आगे बैठो, मुस्तफ़ा बैठो, आयत आप मेरे साथ बैठोगी। अभी कितने तंग हो गए बैठे हो, इतना बड़ा बैग उठा लिए, जगह ही नहीं है अब, नया बैग उठाने का शौक था आज। आयत को देखें, आयत मेरी गोद में। एक मिनट पहले मुझे उतरने दो, चलो, इतना बड़ा बैग है, मुश्किल हो जाता है मुस्तफ़ा बाइक पे लेके आना। आयत को, आयत आपने नहीं जाना, आपने मेरे साथ जाना, इनको बड़ा शौक है ट्यूशन पढ़ने का, पकड़ो इसको। इतने से बच्चों को ट्यूशन जाने का शौक होता है, बस जब ट्यूशन शुरू होते हैं ना फिर नहीं जाएंगे, आ जाओ। अल्लाह हाफिज़, तैयबा का ख्याल रखना। भी कॉल आई थी कि वो कल सुबह में निकलेंगे, तो अभी हमारे पास टाइम है, उनके लिए और भी सामान लेना है, कुछ ग्लासेस लेनी है, चाचू के लिए उनकी भी कॉल आई है, चाचू मेरे सऊदीया में रहते हैं, और अम्मी के लिए भी कुछ सामान लेना है, वो भी लेते हैं। और चलो ये शुक्र है, मैं काफ़ी टेंशन में थी कि ना वो शायद शाम को निकल जाएंगे और हम लेट हो गए, तो बस अब यहाँ पर पहुँचे हैं, ग्लासेस देख के फिर चलते हैं। ग्लासेस एक ही है, दोनों जी जी, ये थोड़ा ग्रीन है, ये ब्लैक है, ब्लैक में ना दो दिखा दें, ब्लैक ब्लैक में दिखाओ, फुल ब्लैक में जो हो, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी पता नहीं उनको पसंद कौन से आते हैं इनमें से। चलो चलो चलो, आराम से आइयो, आराम से। एक को अंकल ने बिस्किट भी दिया, जहाँ पे भी जाती है कुछ ना कुछ लेके आती है। मिल गया है सारा सामान मम्मी वाला, चलो इसको बंद करें, और मोबाइल का कवर लेना, यहाँ देखें आगे शॉप पे, यहाँ पे आईफोन मोबाइल के कवर हैं, हैं आ जाओ, है ये वाले सिलिकॉन है। सेफ रहेगा ना जी, आपको भी कहीं जाना तो नहीं है ना, टाइम काफ़ी हो गया है, वेट कर रही होगी तैयबा, वो जा ही नहीं रही थी ट्यूशन, उसको लेके ही चलना है हमें, सही है, हाँ चलना है ना, चलो सही। अच्छा ये मुस्तफ़ा के ट्यूशन की फ्लैट है, यहाँ पे मुस्तफ़ा और तैयबा पढ़ते हैं, और टाइम काफ़ी हो गया है, तैयबा नाराज़ होके बैठी होगी। कर लिया आपका काम, डन हो गया, लास्ट
तैयबा आपका हो गया? ना जी नहीं हुआ, अभी रहता है अभी। तैयबा को एक दिन छुट्टी, तैयबा की तबीयत सही नहीं थी ना, सबू में नून वरना नहीं लिखा। तैयबा बैग पैक करो अभी, चलो आप भी जल्दी से बैग पैक करो, पीछे जल्दी बोतल भी आ जाएगी। चलो तैयबा आगे से आ जाओ, आया था पीछे, आ जाओ पीछे, मेरे पास आया था, बैग को आगे पकड़े, बैग इसका काफी हैवी है। नानी अम्मा का और सलमा बाज खाला का सामान लेते लेते इतना टाइम हो गया। चलो आया था, आ जाओ। अच्छा अच्छा उतार रही हूँ, उतार रही हूँ। आते ही ना सबसे पहले आयत कहती है मेरे शूज़ और मेरी सॉक्स निकालो। आराम से आई हूँ। आयत को तो काफ़ी प्यास लगी हुई थी। उतारनी है जैकेट, उतार कपड़े तो मना, ये बाकी भी निकाल कर दो। अच्छा ये वाला कॉटन लिया और इसमें ये सारी चीज़ें रख रहे हैं कि सब कुछ इसमें जो है ना आ जाए। अच्छा कपड़े मैं सोच रही हूँ कि अलग ऐसे नहीं डालें, किसी शॉपर में डाल के रखें। शॉपर में रखें, शॉपर वरना ये ख़राब हो जाएंगे, ये अगर फेस वॉश कुछ भी बाहर निकला तो। ये शॉपर ही ऐसे रख, इसी में ही रखते थे। अब इस तरीके से इसको पैक करें और ऊपर जो है ना टेप लगा दें, दबा के रखें। ये लो ये जो हम ग्लासेस लेने गए थे चाचू के, ये बाहर ही रह गए, अभी खोलो इसको, अंदर रखना है। अच्छा इसको तो पैक कर दिया, अभी जो है ना मैं अपने कज़न को यही कहूँगी कि वो अपने बैग में ही इनको डाल के रख दें, तो इस तरीके से सेफ भी रहेंगी और ये ग्लासेस हैं कहीं टूटे ना। पढ़ लिया कुरान पाक? यस, कब चलेंगे? अभी बस चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पर बाबर भी आ गया है, दिलबर भी आ गया है। मैंने आपको बताया था कि जो जिनको सामान देने अम्मी का जा रहे हैं वो मेरे कज़न हैं, चाचू के बेटे हैं, तो ये खाना बना के लेके जा रहे हैं। दिखाओ क्या बनाए। गोभी गोश्त और खीरा की सलाद, उनको पसंद है इसलिए उनको पसंद बनवा के। अच्छा चलिए, बाबर भी आ गया, दिलबर भी आ गया, चले। अब पूछा ये कब से वेट करे, तकरीबन 5 घंटे से। इसको तो नहीं लेके जाओ, अब ये चलेगी, चल नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। चलो चलो चलो। अच्छा यहाँ पर ये देखें, सारे फिर से बातें करने बैठ गए और नदीम भाई भी आ गए हैं काम से वापस आ गए हैं, और जैसे निकलने लगते हैं कोई ना कोई आ जाता है, और बच्चों ने तो आज बहुत ज्यादा वेट किया। बस ये भी चल रहे हैं नदी भाई, चलो ना चलते हैं, बस अब सब चलते हैं, चल रहे हैं तो सारे चलते हैं। हाँ बाइक पे ही सब बैठ जाएंगे, बाबर की एक बाइक है, एक दिलबर की है, एक हमारी है, सारे आ जाएंगे। ठीक है बाइक अब ले और फिर चले। चलो दीदी भाई फिर घर चलो, पहले मैं अपनी बाइक लेके आऊँ। जा रहे हो आप? हाँ, तीनों एक साथ आए थे, जल्दी आओ। आए तो मुझे दे दो, आए मुझे। चलो चलो जाओ जाओ, आ जाओ, आई नहीं रुक जाओ, बाय बाय। हम अपनी बाइक में आएंगे, मुस्तफा आराम से, आप अभी इतने बड़े नहीं हुए, अभी आप छोटे हो, अभी आपको टाइम है। कॉटन मेरे पास आ गया पीछे, उनका घर नहीं है, होटल में उन्होंने रूम लिया हुआ है, वहीं पे चल रहे हैं। ये वाली बिल्डिंग देखो कितनी प्यारी है, और ये रियल में ज़्यादा खूबसूरत लगती है, यहाँ पे इतनी वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही है ना। यहाँ पे उतरना है, एक मिनट मुझे उतरने दो, ये पकड़ो आराम से, कितने हो गए भाई, कितना? 170, 370 हो गए। ये लें भाई, यहाँ पे तो फ्रूट काफ़ी महंगे हैं। चलो आ जाओ तैयबा। अच्छा ये सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या हाल है सजाद भाई? ये ले लें, जा रहे हो अभी उनके साथ? अच्छा इनके साथ और भी हैं काफ़ी भाई, तो ये फिर उन्हीं के साथ अंदर जा रहे हैं, ऊपर रूम में है ना ये, हम अभी 4 घंटे बाद अंदर नहीं जा सकती। बैठो मुस्तफा, चले आ जाओ तैयबा। आप भी देखिए आते हुए मैंने बनाई थी और तब ऐसे कलर नहीं थे, अब काफी खूबसूरत लग रही है ना मुस्तफा, काफी प्यारी लग रही है। मुस्तफा अब तो पूरी रात हो गई है, अब तो हम कहीं पार्क नहीं जा सकते, पार्क सारे रात में बंद हो जाते हैं।
अब घर चलते हैं। हाँ आंटी पार्क खुला कोई भी पार्क नहीं खुला इस टाइम पर। मैं ये तो अच्छी बात नहीं हुई, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। हाँ प्रॉमिस तो किया था लेकिन टाइम बहुत हो गया ना। देखो कोई भी पार्क इस टाइम पे नहीं खुला। अच्छा चलो बताओ इस पे बैठना है या उधर टेबल चेयर पे? इस पे बैठना है। चलो बैठो फिर इधर। चलो इस पे बैठना अच्छा लग रहा है हम्म, या फिर टेबल पे बैठे? इस पे अच्छा लग। हाँ ये नीचे टेबल है लेकिन कारपेट रखा हुआ है। आयत वाओ, आयत को क्या मिला है? हाय करें, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय सलाम भी कर रहे हैं, आप भी सलाम करो। आपको इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए, आपने कुछ नहीं दिया उनको? 200 रुपीज दिए। आपने अपनी जेब से दिए थे? 200 खुद दिए थे? नहीं ना, तो अपनी सेविंग किया करो और फिर दिया करो ऐसे। ओके ये सारा दिन सबको हंसाते रहते हैं, यहाँ पर इतना एंटरटेन करते हैं और इनको बदले में कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो इनकी हेल्प किया करो। अच्छा मुस्तफ़ा ने कहा कि मामा मुझे ब्रोस खिला दे क्योंकि आज मैं इनको पार्क नहीं लेकर गई और काफ़ी टाइम से वेट करते रहे, तो मैंने सोचा इनको खाना खिला देती हूँ। और तैबा इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाती, तैबा ने चिप्स ऑर्डर कराए तो फाइनली मुस्तफ़ा के ब्रोस्ट भी आ गए। कैसे हैं मुस्तफ़ा? अच्छे हैं। अच्छे हैं यहाँ के? तैबा आपकी भी चाय आ गई। अच्छा हमने चाय मंगवाई है और मुस्तफ़ा ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है। मुस्तफ़ा को चाय खास पसंद नहीं है, तैबा को बहुत पसंद है। अभी गर्म है तैबा चाय। मैं कब से अपनी चाय का वेट कर रही थी क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाऊँ मुझे चाय ना मिले ना, तो इसके बगैर तो मेरा दिन भी अधूरा है और मेरा खाना भी अधूरा है। मुस्तफ़ा आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। अच्छा लगा है? और यहाँ की चाय भी बहुत मज़े की है। कैसी है चाय यहाँ? अच्छी है। पिक्चर ले रहे हो दोनों? चले मुस्तफ़ा, चले घर। ये चाय तैबा की है। तैबा क्यों नहीं पी रहे? ठंडी वाली पी, ठंडी हो गई, अब पी लो जल्दी से, पी लो घर चले फिर। अच्छा चले चले आराम से आराम से आराम से। मुस्तफ़ा ने खूब इंजॉय किया आज। आप भी क्लोन की तरह बने हुए हो। अंकल अच्छे लगे? अंकल अच्छे लगे आपको? बहुत मजा आया आपको। काफी टाइम बाद दोनों को बाहर लेकर गई हूँ और तैबा मुस्तफ़ा दोनों ने बहुत एंजॉय किया। हैप्पी हूँ। आपने मामा का थैंक यू भी नहीं कहा। थैंक यू। अपना फेस भी साफ कर लो, सारा केचप लगा हुआ। आई तो काफी थक गई होगी ना? आई काफी थक गई होगी, सामने देखो। जैसे ही वापस आए थे ना मुझे तो नींद आ गई थी क्योंकि आयत काफ़ी तंग कर रही थी। आयत को मैंने थोड़ी देर झूले में डाला और झूला झुलाते झुलाते वहीं पे नींद आ गई बाहर चारपाई पे, और आयत सोई नहीं, आयत बाहर निकल के आ गई। और अभी मैंने आके देखा ये यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं सब। देखे तमन्ना वहाँ पर सो गई है, मेरे हस्बैंड और तैबा और मुस्तफ़ा अपने पापा के साथ सो रहे हैं। आयत को देखें, आयत अभी तक नहीं सो रही। मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। और बस जैसे ही मेरी जाग हुई मैंने सोचा कि व्लॉग मैंने एंड ही नहीं किया था, व्लॉग को एंड करना अभी बाकी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे हस्बैंड को देखें और बच्चों को देखें कि कितना हैप्पी है अपने पापा के साथ। और काफ़ी थकावट हो रही है, मैं अभी सोने लगी। बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ बोल दो मुस्तफ़ा। अल्लाह आज के काम देखें, अभी तक नहीं सो रही और तमन्ना भी सो गई है, सब सो गए हैं। और मैं इसलिए नीचे वाले मैट्रेस पे सो रही हूँ, ये वाले मैट्रेस पे काफ़ी आपके कमेंट आए हैं कि जो है ना बेडशीट बिछा दें। बेडशीट जो भी मेरे पास बेडशीट है ना वो इसके ऊपर टिकती ही नहीं है,
निकल जाती हैं बार बार क्योंकि बच्चे ऊपर जंप करते हैं, खेलते हैं। और यहाँ की जो बेडशीट है ना, जो पूरे जो मैट्रेस को कवर कर लेती है साइडों से, जिनमें प्लास्टिक क्या लगा होता है, रबड़ लगा होता है, मतलब काफ़ी उनको टाइट कर लेती है। तो उनको जो है ना, मैंने अपने भाई को क्या है कि ऑर्डर करवाया हुआ, वो मुझे अब 2-3 दिन तक जैसे ही मिलेंगी तो इनको मैं कवर कर लूँगी। बस यही वजह है अभी तक मैंने बेडशीट नहीं बिछाई। तो बस अब मैं भी सोने लगी हूँ क्योंकि ये तो सोने ही नहीं वाले। अच्छा, यहाँ पर ये अभी वीडियो मैंने देखी है, हरम इकरा के नाम से ये चैनल है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरे हस्बैंड की फैमिली में से है, मतलब ये मेरी तरफ की नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की फैमिली की तरफ से। और इन्होंने, इनके पास जितने भी प्रूफ थे, इन्होंने सारे प्रूफ जो है ना अपने वीडियो में दिए हैं। और अगर के मुझे इनके साथ कुछ भी ऐसे वो हमदर्दी ऐसा कुछ भी होता ना, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का नाम ऑलरेडी अपने चैनल पर ले चुकी हूँ, मैंने कभी भी इनका नाम नहीं लिया। जब मैंने इनका ये वाला वीडियो देखा, इन्होंने इसमें सारे प्रूफ इन्होंने जमा किए हुए हैं और ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं। और ये देखें, एक सेकेंड, ये वाली देखें, ये निकाह की इनकी ये पिक्चर है। मेरे हस्बैंड जब निकाह करके आए थे और इन्होंने मुझे भी ये पिक्चर भेजी थी, और तब किसी को पता नहीं था, कुछ ही लोग थे निकाह के टाइम पर। और ये कौसर के अब्बू हैं, क्योंकि काफ़ी एक एक बंदा एक एक चीज़ चुनता है कि ये कौन है, वो कौन है, ये झूठ है, ये भी झूठ है। तो कुछ दिन पहले का एक व्लॉग आया था जब मैंने दिखाया था कि मेरे हस्बैंड खाना लेकर आए थे जब हम न्यू घर में शिफ्ट हुए थे, और कौसर के भाई और अब्बू आए हुए थे। तो आपने इनको देखा होगा कि इनके अब्बू भी थे और साथ में कौसर इनको खाना भी दे रही थी। अभी तक किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसमें ज़रूर जाके देखिएगा कि ये यहाँ पर आए थे। और ये देखें, यहाँ पर मेरे हस्बैंड इनको रिंग पहनाते हुए, ये एक पिक्चर थी। और इसके अलावा यहाँ पर ये साथ में, ये देखें, ये इनके अब्बू बैठे हैं। और ये मेरे व्लॉग में भी आ चुके हैं जब यहाँ पर ये अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे, मिठाई भी लेकर आए थे वहाँ से, पंजाब से, वो भी मैंने दिखाया था। अच्छा, एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाओ ना, फिर भी किसी को यकीन नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने वीडियोस और पिक्चर भी शेयर किए हैं क्योंकि इनके पास सब कुछ था, क्योंकि ये वहाँ पर, इन पर सबको यकीन था। तो इनके पास हर पिक्चर, हर वीडियोस आती रही है, मेरे पास किसी ने नहीं भेजी कि मैं यूट्यूब पे अपलोड ना कर दूँ। और ये वाली पिक्चर देखें, ये मेरे हस्बैंड के अब्बू हैं, मेरे ससुर हो गए, ये इनके साथ खड़े हैं। सब कहते हैं कोई साथ नहीं खड़ा, किसी फ्रेंड के साथ खड़े हैं, कभी किसके साथ खड़े हैं, तो ऐसे ही पिक्चर बनवाई हैं। ठीक है, ये इनके अब्बू साथ में खड़े हैं। और इनके अलावा इन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की है, ये देखिए। इतना कौन फेक कर सकता है, कौन कर सकता है, जो कि मुझसे ये चीज़ें नहीं देखी जाती, बार बार नहीं देखी जाती, उसके बावजूद भी लोगों को इस चीज़ पे पता नहीं क्यों नहीं यकीन आ रहा। ये देखें, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती।